आपका एक्सपीरियंस कैसा है रात को घूमने का? आज तक निकले हो घर से बाहर? ये वाला गेट बंद है ना, जब आपका फोन जब बंदर लेके जाएगा ना बेटा, तू अब उठ रहा है तो तुम्हें देखने क्या हो। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ और हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और बैग पूरा पैक हो चुका है। ये मेरे कपड़े भी जो मैं पहनूंगा, और मम्मी ने पॉलिथीन रख दिया है किसी इसलिए कि वहां पर अगर होली खेलेंगे तो पानी इसमें ना आए, तो इसलिए मेरे को पहले से जैसा निर्णय बोल दिया था। तो ये मैं फटाफट इसको रखवा देता हूँ और फटाफट चेंज कर लेता हूँ कपड़े और निकलना। कितने बजे हमें? 6:30 बजे के टाइम। थोड़ा सा लेट हुई जाएगा पर कोई बात नहीं, फटाफट रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद मिलूंगा आप सबसे। सो महारथी आ चुके हैं। आओ आओ अरे बैठ जाओ ना, जाट दो उनका सारा बैग ही चला गया, तेरे अंदर का गाड़ी के नीचे। इतना नंबर लगता नहीं है, आउट ऑफ नेटवर्क भेजा भाई, कहाँ रहता है? तो भैया अभी हम पैदल जा रहे हैं सारे समाज में, हमारे दो महारथी आगे और एक ये हमारा हीरो कपूर नेगी जी। तो चलिए पैदल ही ठीक है, रिक्शे देख लो इतनी ज्यादा जाम हो रहा है, ट्रैफिक है, पैदल हम इसीलिए आ रहे हैं। देखो यहाँ पर ये वाला गेट बंद है ना, अबे बंद पड़ा ये वाला। तो ये है बूढ़े और यहाँ है जवान। अरे क्या कह रहे हो सर, बंदर क्या? एक जब, जब आपका फोन जब बंदर लेके जाएगा ना, हाँ फिर आप बोलना और भाई कैसे हो यार तुम। नहीं तू भी तो है, तू नहीं संभालेगा क्या? मैं क्या संभालूंगा, ऐसे जो भी बंदर आएगा मैं बताऊंगा अपने आप को, उछाल दूंगा तुझे बस। पर सच्ची बता, डर है ना ऊपर? डर है, बहुत डर है। तो भैया देखते हैं कैसे बनाता हूँ वीडियो में, और अपने रिस्क पे बनाएगा बंदा। हाँ ठीक है, तुम लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। सो भैया इधर और ये देखिए हमारे बूढ़े साहब फिर दोबारा से लिफ्ट के। सुन सुन राज नहर है वही भल्लोगढ़ है। बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा है रात को घूमने का? आज तक निकले हो घर से बाहर आप कभी? बहुत निकले जब हम इंदौर में थे तो हम रात भर बाहर रहते थे और 1-2 बजे हॉस्टल से आते थे। ओके तो ये एक्सपीरियंस हमारा दूसरा है पर 200 के साथ पहला है। ओके तो देखते हैं ये वाला एक्सपीरियंस कैसा रहता है। प्लीज डू दिस अगेन, कैन यू प्लीज। सो भाई पहुंच चुके हैं भल्लभगढ़। अभी बताया भाई ने कि कहां पर आए, हरियाणा की साइड। यहां से कितना दूर है मतलब बस स्टैंड? अभी आपको जाना पड़ेगा नीचे। क्या कह रहा? अच्छा। नीचे जाने के बाद आप स्टेयर्स से उतरेंगे। ओ माय गॉड, एक कम करो मुझे मारो। यहाँ एक खुला आवाज गूंज रही है, ये लोटस टेम्पल है। और अब आपको दिखेगा यहाँ से रेलवे स्टेशन आते हुए, बहुत अलग ही लग रहा है यार। ये बढ़िया है, यहाँ पर यहाँ से रेलवे स्टेशन ही है सही में है। आप कह रहे थे ना 9 बजे टिकट बुक करा रहे हो भाई, इधर की कौन सी टिकट आएगी? ये पीछे आपका, ये आपका पीछे हाईवे, ये देखिए ध्यान से। जहाँ भी विक्रम गिरने वाला था हमने बचाया उसको। पता की तलाश भाई, यहाँ से रेलवे स्टेशन है। ओ माय गॉड ना भाई, आवाज आ गई, सच बोलता है। हाँ चलो भैया आवाज तो आ गई, और एंड अभी थोड़ी देर में जाते हैं बस के में। आपको दिखाएंगे आज रात का एडवेंचर भानगढ़ के किला। और मारो, मारो, मुझे मारो। ये हमें बताएंगे सारी की सारी जगह। हाँ। पर इनसे ज्यादा पता किसको है? विकास को। हाँ। ये कौन कौन में लेके जाते, जबकि विकास से ज्यादा गए हमारे चेतन जी, पर कोई फायदा नहीं क्योंकि हमें करनी आती है। कोई फालतू बोलेगा तो हम विक्रम को आगे कर सकते हैं। मैं भी आगे कर सकता हूँ, मैं भागने में तेज हूँ। देख रहे पूरी चल रही है। ओ मां गू तुरुल्ला, किसका कह रहा है? साले मेरे मुंह का तू कह रहा है, आवाज तो आ गई। और सब जानते हैं साथ, यहाँ मत फोड़ो बस में फोड़। चेतन यहाँ से कितना दूर होगा यार? ये तो रहा बस स्टैंड की आवाज तो आ रही है। हां बोल भाई, मगर यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 2 घंटे। कहां पर? कहां पर? अरे भाई वो तो आ गया बस स्टैंड दिख रहा तेरे को। अच्छा बस स्टैंड यहाँ पर आ चुका है, और अब जाते हैं सीधा बस के लिए जहाँ भी बस लगी होगी। इन्हीं को पता है तभी हम अभी आए इनके साथ कि मतलब कहाँ से जाना है क्या जाना है। आप सबको मिलेगा जब हम अभी पहुँचेंगे रात को 12-1 बजे का टाइम पहुँचेंगे भाई, तो टाइम लगेगा। अभी शोर हो रहा है इसलिए मैं ब्लॉग बनाता हूँ। बाय बाय, सी यू लेटर। और अभी वो बस खड़ी है उससे जाना है अभी।
सो यार बस में तो हम बैठ गए, बाकी मेरे को पूछना है कि कहाँ तक जाएगी बस। बल्लभगढ़ वाले स्टेशन में आए, फिर यहाँ से कहाँ तक जाएगी बस जिस बस में हम बैठे? बल्लभगढ़ से ये जाएगी सीधा गोवर्धन चौक, ये सीधा मथुरा में जाकर बैठेगी। मतलब ये जगह का क्या नाम है उधर का? गोवर्धन चौक मथुरा। मथुरा ये जो बस जा रही है, हाँ। और ये बस कौन से इटावा, क्या लिखा होता है इसमें? इटावा आगरा। इटावा आगरा करके बस का नाम है, और उसमें आप चढ़ जाओ और सीधा जाना है आपको किधर? गोवर्धन चौक। और किधर की साइड है मथुरा? गोवर्धन चौक ना। तो बस अपनी जर्नी स्टार्ट होगी अभी, और मिलता हूँ सबसे जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचते हैं क्या भाई? अभी तो कहाँ पहुँचेंगे, फिर उसके बाद एक और बस लेनी है क्या? फिर गोवर्धन चौक से? गोवर्धन चौक से आ जाएगा। कितना दूर है वहाँ से है? वो पहुँच के ही बताएंगे भैया। अभी बस थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है, तो हम भी जरा हवा खा लेते हैं। और टाइम कितना हो रहा है अभी, एक बार दिखा फोन। अभी टाइम देखो 11:05 हो रहे हैं, नहीं दिख रहा पास से? देखो 11:05। खुश खुल्लेआम ही चलता भाई। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में, सही से बताया नहीं तूने, बताया था गोवर्धन चौक है ना, फिर गोवर्धन चौक से कहाँ जाना होता है? गोवर्धन जाना होता है, तो वहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता, टेम्पू लेना पड़ता है, आई थिंक वहाँ से टेम्पू लेना पड़ता है, फिर उसके बाद वहाँ से परिक्रमा शुरू करो अपना, घूमो फिरो। न्यूज़ पे डाल दियो इसको भैया। देखो अब मैं भी खा लूंगा कुरकुरे, यहाँ तो चलता सब्जी भाई, सारे दाने दाने बचे हुए हैं, कुरकुरे खा रहे हैं भैया दाने दाने। तेरी कटे जा। एक सेकंड भाई, कुरकुरे का मैंने सुना था 10 रुपए का जो कुरकुरा आता है, आपने देखा होगा चुलबुले हैं विक्रम, ये देख ये वाले तो खाए होंगे तूने चुलबुले वाले। रेट देखे इसके 15 रुपए। 15 रुपए का भाई अभी बड़ा है क्या? क्वालिटी कुछ नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पर 10 रुपए का खाया मैंने 2-3 महीने पहले, कुछ भी नहीं बढ़ा, सेम टू सेम। जय माला होगी भाई भाई कैसे मिलेगी? और अभी इसके बाद जहाँ पर हम जाएंगे अभी, तो वहाँ पर अभी परिक्रमा करेंगे रात भर। मेरे को पहले लगा कि जाके हम सीधा थोड़ी देर सो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ज्यादा सीधे परिक्रमा शुरू करनी है 5-7 घंटे की, तो देखने को मिलेगी आप सबको। और यहाँ पर है अमन ढाबा, ले लिए भी कस्टमर पैसे? दे दिए कुछ बोला उसने? नहीं दे रहा, कुछ खा लो। तो भाई साहब भूख नहीं है, मैं खा लेता। मैं तो क्या हुआ, पूरी वूरी खा के अभी भी भूख लग रही है। देखो लग रही है भाई, मैं तो पूरी खा गया हूँ तेरे घर से। ये वैसे कह रहा हूँ, अभी नहीं लग रही मेरे को, लग रही है भूख। तो भैया ढाबे का रिव्यू करवाऊँ क्या? निकले खाने पीने के लिए, दाल चावल दिया था तो निकालना, दाल भात खाई थी, बच्चियां खाई थी, हम बनाई थी। तो भाई 11:30 बजे के टाइम गाड़ी चल रही है अब, और 11:40 हो रहे हैं वैसे, तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। तो यार अभी हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन चौक में, तो भैया यहाँ से गोवर्धन चौक से थोड़ा सा और आगे हमें जाना है, तो अभी निकलते हैं, रात के अभी 1:30 बज रहे हैं, तो इस टेम्पो में अभी बैठते हैं और फटाफट पहुंचते हैं यहाँ पर, हमें परिक्रमा शुरू करनी है। आगे निकले हम भी यहाँ से गए हुए बेटा, तू अब उठ रहा था, तुमने देखा नहीं क्या हुआ? क्या हुआ अभी बताऊंगा मेरे को। गाड़ी बहुत देर तक रुकी पड़ी थी, पता कैसे चल रहा था कि मतलब गाय उठा के ले जा रहा था कोई, मतलब उठा कैसे लिए उन्होंने, मुझे समझ नहीं आया, उसे चढ़ा के सीधा ले गए। अभी जो आपने देखा होगा ना, थोड़ी सी हम बात कर रहे थे वो इस चीज की थी कि अभी अंधेरे रास्ते गली में क्या हो रहा था कि जैसे गायें ऐसे घूमती रहती हैं, तो ऐसे गायें उठा के कोई ले जा रहा था, तो किसी ने देख लिया हमने से, और वहां पर उनको जैसे देखने के लिए जा रहा था, तो उन्होंने गाड़ी एकदम से चला के भाग के ले गए। तो भाई हम भी घबरा गए यार, भाई उनके पास कुछ होना यार, हथियार किसी ने। सो भाई हम गोवर्धन पहुंच चुके हैं, और आपको अगला ब्लॉग मिलेगा अभी जब हम वहां पर परिक्रमा करेंगे, और खाना खा लेते हैं उसके बाद मिलूंगा आप सबसे।